हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह का अभी 6 बज रहा है और अभी मैं सुबह सुबह आ चुका हूँ थोड़ा घूमने फिरने। कितने दिन बाद आज आया हूँ इधर, क्योंकि आता हूँ तो बाज़ार है, पंचायत भवन है, वहीं से लौट जाता हूँ, लेकिन आज आ गया इधर घूमने। आज का दोस्तों सुबह सुबह का व्यू कुछ इस प्रकार का दे सकते हैं, धोनी जैसा लगा हुआ है, तो आज धूप ज़्यादा रहने वाला है और पूरी तरह से हरियाली है, देख सकते हैं। देखने में मजा आ जाता है दोस्तों। तो अभी दोस्तों हमने घूम लिया, अभी चलते हैं दोस्तों घर पे। और माल उल तो कल सरिया ही लिया था, क्योंकि कल माल लाया हुआ था, तो और फिर स्नान स्नान करके रेडी वेडी हो जाएंगे, फिर चलेंगे 8:30 बजे से फेरी पे, 8:45 बजे से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर पे। दोस्तों अभी आ गया छत पे और अभी दोस्तों पानी भर रहे हैं, मोटर चालू कर दिए हुए हैं, तो पानी भर लेते हैं, पानी भर के स्नान करेंगे, स्नान करके रेडी हो जाते हैं। दोस्तों इस टाइम 7:30 हो रहा है अभी। दोस्तों अभी हमने घर से अभी 9 बजे से निकला हूँ, तो टाइम अभी 9:15 होने वाला है और चलते हैं फिलहाल। आज का मौसम पूरी तरह से फ्रेश है और दोस्तों बोनी भी हो चुका है, दो गमछा भी क्या है उससे गांव में ही, तो चलते हैं अगला गांव। दो गांव सटे सटे हुए हैं, तो दोनों गांव घूम करके मिलते हैं। फाइनली दोस्तों अभी 11 बजने वाला है और दोनों गांव घूम लिया, सोनौल सुबह था और सिकटोलिया था, तो दोनों गाँव घूम गया। दोस्तों आज इस दोनों गाँव मिला करके मात्र 600 का सेल हुआ है, नहीं तो इससे पहले 1500 प्लस हो जाता था। चलिए दोस्तों अभी 11 बज रहा है, अगला गांव कंसारा घूमते हैं। फाइनली दोस्तों अभी हमने कंसारा गांव भी घूम लिया, कंसारा गांव में मात्र 120 का सेल हुआ है, दो गमछा और एक हाफ पैंट छोट बच्चे का। तो अभी चलते हैं दोस्तों अगला गांव जो है ना घरवारा की तरफ। और दोस्तों अभी 12:15 हो रहा है, चलिए देखते हैं शाम तक कितना का सेल होता है। दोस्तों अभी दोपहर के 1:30 बज रहा है और अभी तक हमने लगभग इस समय तक शाम तक बेचता था, यहाँ आते आते तक शाम हो जाता था, लेकिन आज 1 बजे ही यहाँ आ गए, क्योंकि दोस्तों सेल बहुत ही कम हो रहा है, नक के बराबर बहुत ही मंदा चल रहा है। दोस्तों 1:30 बज रहा है, अभी तक मात्र 5-6 गांव घुमा हूँ और 250 टोटल जोड़ा जाए तो 1100 प्लस का, यानी कि 1150 का ही सेल हुआ है। और धूप इतना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा देर के लिए 10 मिनट के लिए 12 बजे के आसपास में बुने भी पड़ा था, लेकिन अभी देख सकते कितना धूप है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पेड़ है, यहीं पे रुके हुए हैं, 10 मिनट रुकते हैं फिर चलेंगे लगभग 1:30 बजे से। अभी दोस्तों 1:15 हो रहा है। फाइनली दोस्तों अभी टाइम 6:30 होने वाला है और बेड डूब चुका है दोस्तों, और अभी चलते हैं दोस्तों घर पे। दोस्तों 1:15 बजे तक तो मात्र 1100 का सेल हुआ था, लेकिन 1 बजे के बाद से मात्र एक ही गाँव में घुमा हो, खाली महनी मंडल जो कि सीतामढ़ी जिला में पड़ता है, तो उसी गांव में लगभग 2000 के आसपास तक सेल हो गया है, तो टोटल सेल 3000 प्लस का सेल हो गया। और अभी चलते हैं दोस्तों सीधे घर की तरफ, क्योंकि अभी बेयर डूब चुका है। दोस्तों हमने हार मानकर नहीं बैठा हूं, क्योंकि हमारा माल देख सकते हैं पूरा हर तरह का माल है, तो हमारा हर जगह बिक्री होते रहता है कुछ न कुछ, लेकिन 3-4 गाँव में जो है ना शुरुआत में बहुत कम बिक्री हुआ है, न के बराबर, इसकी वजह से जो है ना हिम्मत हमारा टूट गया था। तो देखे हैं आप लोग कि बांस के पास मैं रुका हुआ था, लेकिन हार मानकर नहीं बढ़ना चाहिए, अपना जो कर्म है ना कर्म करते रहना चाहिए, जहां बिक्री होने वाला रहेगा होगा, नहीं होने वाला रहेगा नहीं होगा, लेकिन जितना हमको काम है घूमना है उतना तो घूमना पड़ेगा ही। तो इस मैंने भाई जो फेरी करते ना उन लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि अगर 2-4 गाँव या 1-2 दिन ही बिक्री नहीं हुआ तो हार मानकर फेरी ही छोड़ देते हैं, फेरी करना है, काम करना है, इसलिए काम करना नहीं छोड़े, लगातार काम करना चाहिए। और एक दिन में अगर 2-4 गांव फेरी सेल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले गांव में तो होगा, इस आशा के साथ फेरी करते रहे पूरा दिन, तो कहीं ना कहीं यहाँ नहीं हुआ तो आगे कहीं ना कहीं तो सेल होगा ही, इसलिए हार मानकर मत बैठे, लगातार काम करते रहे और जितना अपना काम हो उतना करते रहिए, सही है। दोस्तों देख सकते हैं चिमनी है और पीछे जो है ना रोड खराब है, तो वहाँ पे काम रोड का काम चालू है, तो ढलैया अभी आज ही हुआ है, तो रास्ता निकलने वाला नहीं है,
तो फिर लौटना पड़ा है चिमनी के पास से, फिर हमको घूम करके आगे में है फिर जाना पड़ेगा। इधर से जाता तो मात्र आधा किलोमीटर एक किलोमीटर जाना पड़ता, लेकिन इधर से घूम करके हमको लगभग 4-5 किलोमीटर फिर से रनिंग करना पड़ेगा, गाड़ी चलाना पड़ेगा। 4-5 किलोमीटर ऊपर गया, चलते हैं फिर उधर से घूम करके जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, भी आ गया घर आते आते। दोस्तों टाइम 7:30 हो गया है, अभी थोड़ा सा बाजार में रुका हूँ और अंधेरा हो गया था, बाजार में रुका हूँ, वहीं पे जो है ना 300 का सेल हो गया है। एक आदमी के यहाँ एक लुंगी लिया हुआ था, 50 रुपया उधारी था, तो उसी उधारी लेने के लिए रुका हूँ। और सब्जी भी मुझे लेना था, तो उधार तो मिला ही है 50 रुपये, और एक लुंगी भी लिया है तो 150 रुपया दिया है, 150 हो गया, और एक गमछा 200 और एक पैंट हाफ पैंट, तो 300 का सेल हो गया वहीं पे। तो इसलिए दोस्तों इतना सारा सामान लेके जब चलते हैं तो हिम्मत ना हार कर लगातार काम अगर मैं करता हूँ तो सेल ठीक ठाक हो जाता है। और ग्राहक का क्या है, ग्राहक का कोई ठीक नहीं है, कहाँ पे ग्राहक रुका करके सामान ले सकता है, ले लेगा, क्योंकि ग्राहक का कोई ठीक नहीं है। चलते चलते रास्ता में भी अगर किसी को जरूरी रहेगा सामान है हमारे पास तो बिक जाएगा, हिम्मत हार कर बैठना नहीं चाहिए। चलिए अभी दोस्तों आगे घर, मुँह हाथ धो लिए हैं, अभी दोस्तों कपड़ा से मुँह पूछते हैं, कपड़ा गमछा किधर है, ऐसी तौलिया से पूछते हैं, हो गया। अभी दोस्तों खाना खाएंगे, खाना खा करके फिर थोड़ा सा मोबाइल में वीडियो एडिट करेंगे, फिर सोएंगे। चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल सुबह फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स के साथ, अभी इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।